हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 24। इसके और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता जो है वो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आप लोगों को याद होगा 1954 का ये टाइम था, 29 अप्रैल 1954, जबकि जो चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। फिर चाइना जो है वो भारत पर 1962 में आक्रमण कर देता है और पंचशील सिद्धांत को तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यह तो बिल्कुल सही है। फिर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला जो निर्वाचक गण होता है उसके सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। फिर है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उनको मतदान का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो उनको प्राप्त है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम जो है वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। आप लोगों को याद होगा 16 मई 1975 को सिक्किम जो है वो भारत का पूर्ण रूप से 22वां राज्य बना है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो साइमन कमीशन जो है वो पहली बार भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन जो है उसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, और इसी के कारण साइमन कमीशन का जो है वो विरोध भी किया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है वो दिया गया है। साइमन कमीशन से क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले दल कौन थे। बहिष्कार करने वाले तो सब जानते हैं कौन कौन से थे, नहीं बहिष्कार करने वाले कौन दल थे, तो दो दल जो था वो का बहिष्कार नहीं किया था। एक था जस्टिस पार्टी और दूसरा था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन कौन? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, दो ऐसी पार्टियां थी जो साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है वो नहीं किया था। 1928 की बात आती है तो 1928 से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे कीजिए कि उससे रिलेटेड सारे तथ्य जो हैं वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बात आया है 1928 का, तो एक तो आपके दिमाग में आ गया कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन और क्या क्या चीज़ 1928 में हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था,
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के नेतृत्व में जो लाहौर का तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान था सॉन्डर्स, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था। अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था। तो 1928 से इतना चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारा चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का जो सबसे निकट स्थान है वो कौन है, उत्तरी ध्रुव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। ध्रुव की अगर बात करते हैं तो ध्रुव जो होता है वो पृथ्वी पर दो बिंदु हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, जिनसे होकर की काल्पनिक अक्ष जो है वो गुजरता है। नेक्स्ट है कि एस्पेरेंटो क्या है। तो एस्पेरेंटो क्या है, ये एक्चुअली विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य जो है वो इस प्रकार दिए गए हैं, वो आपको मैच करना है। आंध्र प्रदेश मैच करेगा बुर्रा के साथ, असम जो है वो मैच करेगा बिहू के साथ, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यह नाटी के साथ मैच करेगा, और राजस्थान जो है वो झूमर के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक वो कौन कौन हैं, एक हैं हरगोविंद खुराना, जिनको कि 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और एक कौन है, एक है एस चंद्रशेखर, जिनको कि 1983 में भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था और एस चंद्रशेखर को 1983 में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो है वो लगभग है। तो एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो है वो लगभग 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाथी की बात की गई है तो एक याद रखिएगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निकोलस कॉपरनिकस जो है वो प्रसिद्ध है। तो कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है, यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बताने के लिए कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी के। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस युग से जुड़ा हुआ है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग में ही ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक और उपनिषदों की रचना जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरियूर जो है वो किस लिए विख्यात था। तो संगम युग में उरियूर जो है वो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आप लोगों को याद होगा कि पहला संगम का आयोजन जो है वो पांडव की राजधानी मदुरे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, ऋषि अगस्त थे। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा संगम राजवंश, जो कि विजयनगर साम्राज्य में था। ये संगम युग की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। संगम राजवंश की अगर बात कीजिएगा तो फिर जो हरियर और बुक्का जो था वो अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि सल्तनत काल के सिक्के, टंका, संसगानी एवं जीतल जो है वो किन धातुओं के बने हुए थे। तो यह किस चीज़ के बने हुए थे, चांदी और तांबा का बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी और तांबा का। और भारत में जो प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो इल्तुतमिश था, उसने चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्का जो है वो चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1640 रुपये। आप लोगों का कमेंट आता है कि मैथ्स का आंसर जो है वो आप बता दीजिए। एक्चुअली है क्या कि पीडीएफ के लास्ट में मैं मैथ्स का आंसर जो है वो अटैच कर देता हूं, इसलिए मैं यहां पे स्किप कर देता हूं। नेक्स्ट है कि 1878 का बर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो है वो किसने रद्द किया था। 1878 में लगाया किसने था, तो ल से लगाना और ल से लिट्टन,
तो लिट्टन के द्वारा जो है वो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो है वो लगाया गया था। और हटाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड एरिपन के द्वारा। कब हटाया गया था? 1882 में हटाया गया था। और लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का टेन्योर था। तो लॉर्ड रिपन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन ही जो था वो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को जो है वो समाप्त कर दिया था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट तो समाप्त किया ही था लॉर्ड रिपन, इसके अलावा लॉर्ड रिपन जो था वो सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। रिपन जो था वो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था, साथ ही साथ 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी करवाया गया था। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने का भी जन्मदाता जो है वो इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कांग्रेस जो है वो किस कमेटी में, 1937 में जो कार्यकारिणी कमेटी हुई थी उसमें भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। आप लोगों को याद होगा 1937 की ये बात है जब भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें कि जमींदारी उन्मूलन पर बल दिया गया था और साथ ही साथ जल स्रोत को राष्ट्रीयकरण करने पर बल दिया गया था। और इसके ठीक बाद 1937 में कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी जो है वो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति जो है वो अपना लेती है। एक माइक्रोन जो है वो बराबर है, तो एक माइक्रोन जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो दो बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 ऐसे दांत जो होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं। आगे है भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है। तो अकॉर्डिंग टू ICAR भारत में 8 मिट्टी जो है वो भारत की 8 भागों में विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 भागों में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। और इसीलिए अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान में जो है वो माना जाता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकाधिक अंतराल जो है वो 6 माह का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। और ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में सत्र को आहूत करना और सत्रवासन करने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये जो दो सत्रों के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? सत्र अवकाश कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउटड्रम के द्वारा भी कहा गया था और साथ ही साथ डब्लू टेलर, ये दोनों के द्वारा ही कहा गया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो यह तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों के द्वारा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था? 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, इसमें बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी। जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? तो देखिए
जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों आपसे पूछा जा सकता है। अगर जब भी पूछा जाए अस्थायी कठोरता तो इसका कारण होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और अगर अस्थायी कठोरता पूछ दिया जाए तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो है वो घुले रहने के कारण होता है। यहाँ आपसे अस्थायी कठोरता पूछ रहा है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आगे है कि क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो क्राइस्ट चर्च जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1844 में हुआ था। और यह स्थित कहाँ है? यह स्थित जो है वो कहाँ है? गुवाहाटी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है कि आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो ये एक्चुअली जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो क्या है? शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा अगर पक्षी पूछ दे तब क्या है? तब है हमिंग बर्ड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो उस समय हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल जो है वो पुंतक किसको समर्पित है? तो नौवां मंडल को हम लोग किस मंडल के नाम से भी जानते हैं? सोम मंडल के भी नाम से जानते हैं। तो यानी नौवां मंडल जो है वो पूरी तरह से सोम और इस पेपर नामकृत देवता को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना जो है वो की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है, यह आपको बताना है। तो सबसे सही क्रम प्रस्तावना की अगर बात कीजिएगा तो होगा सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, जो कि फिर आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का उल्लेख जो है वो किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीन शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। आगे है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए यह भी नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि कभी भी संविधान संशोधन विधेयक या फिर धन विधेयक, ये दोनों विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आयोजित जो है वो नहीं किया जा सकता है। फिर है एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 4 जो है वो सही है। आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में ही संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो है वो कभी भी संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त अधिवेशन जो है वो साधारण विधेयक पर ही आयोजित किया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अब तक भारत के संसदीय इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया है। सबसे पहली बार 1961 में दहेज प्रथा निषेध विधेयक के लिए, दूसरी बार 1978 में भारतीय बैंकिंग विधेयक के लिए, और तीसरा बार 2002 में जो आतंकवाद निवारक विधेयक था पोटा उसके लिए। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर एक्चुअली मुख्य रूप से 23 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है बहुत अत्यधिक पाया जाता है, लेकिन ऐसे
मरुभूमि अधिकांश भाग जो है वो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 23 डिग्री अक्षांश के पास। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। अब पड़ेगा इंडिया के द्वारा एक मिशन बिहार दरोगा 2023 के नाम से एक फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कि डेली प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को 8 बजे मिलता है और उसका फिर डिस्कशन जो है वो PDF के फॉर्म में ही 9 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मतलब प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों को 8 PM पे मिलेगा और डिस्कशन उसका जो है वो 9 PM पर PDF और वीडियो दोनों के फॉर्म में मिलेगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोगों को 9472092809 पे बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप करना है, फिर आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आगे है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप किसको बोलते हैं। किसी भी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वैसा नाभिक होता है जिसमें प्रोटोनों की संख्या वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें परमाणु संख्या जो है वो सामान्य होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न होती है। आगे है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर जो है वो निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपए की विनिमय दर जो है वो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा भारतीय मुद्रा के विनिमय दर का नियामक और नियंत्रण जो है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कौन नहीं है, मुद्रा की मात्रा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है वो किस में हुआ है, अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद में हुआ है। अब वो भी मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द जो है वो जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है कि वत्स का राज स्थित था, तो ये वत्स महाजनपद है जिसका अभी जो स्थिति है वो इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी कौसाम्बी। आगे है कि हिमाचल पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित हैं उनके नाम क्या है, तो हिमालय पर्वत किस में विभाजित है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में विभाजित है। बृहत हिमालय की बात कीजिएगा तो बृहत हिमालय से ध्यान रखिएगा कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 6000 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय की बात कीजिएगा तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत जैसी श्रेणियाँ स्थित हैं। और शिवालिक की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो हिमालय का नवीनतम भाग होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट है वो ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दे दिया है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो किस अधिनियम को मंजूरी दे दिया है संशोधन को, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, देखिए वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, सबसे कम समय तो लेता है कौन, बुध, ठीक है, जो सबसे नज़दीक रहेगा वो सबसे कम समय लेगा, तो बुध लेता है सबसे कम लगभग 88 दिनों में। और सबसे ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा दूर है वरुण, इसलिए वरुण जो है वो सबसे ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बुध है नहीं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो पृथ्वी जो है वो आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही आंसर है। पृथ्वी की बात कीजिएगा तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन पाया जाता है।
यह ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में, तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O और इसका घोल जो है वो जल में नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है। एसेटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है, क्योंकि एसेटिक अम्ल यानी CH3COOH और यह एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयनन जो होता है वो निम्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और यह जो है वो विशेष रूप से किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तांबे की मिश्र धातु है, तो तांबे की मिश्र धातु क्या है, पीतल है। आप लोग पढ़े होंगे कि पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ते के संयोग से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तांबे की अगर बात कीजिएगा तो तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है और इसका निष्कर्षण जो है वो मुख्य रूप से कॉपर पाइराइट यस्क से किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, स्वच्छता आता है, जनस्वास्थ्य आता है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी आता है, कानून एवं व्यवस्था जो है वो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो सीसा संचायकों में किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं यानी कि H2SO4 का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें जो है वो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट किसमें होता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन B12 में, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकवालामीन होता है। और विटामिन B12 के कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। विटामिन से याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार जो है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, तो प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कावरती कहाँ की राजधानी है, दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप की, नहीं इसकी राजधानी तो दमन है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ की राजधानी है, कावरती, कावरती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है और यह जो है वो प्रभाल भीति के द्वारा निर्मित ऐप है, निर्मित द्वीप है सॉरी, और इसका आकार जो है वो घोड़े के नाल की तरह है। नेक्स्ट है कि गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वो बनवाया गया था, तो गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये जो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है ये भी राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था। जो बंगाल का शासक था महिपाल, उसको पराजित करने के बाद जो राजेंद्र प्रथम था वो गंगकोंड चोल की उपाधि धारण किया था और चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण भी जो है वो करवाया था। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला लिखा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे शख्स हैं जो दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, एक भारत का जन गण मन और एक बांग्लादेश का अमार सोमार बंगला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल किसको कहा जाता है जो जून जुलाई में बोया जाए और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाए, उसको क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, ये सब जो है वो खरीफ फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चावल। निम्न में से कौन सा बांध जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया है, तो गंगा नदी पर कौन सा बांध है, चमेरा बांध, नहीं चमेरा बांध तो रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है तो ये नहीं होगा। कोयना बांध, कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में, यह भी नहीं होगा।
रिहंद बांध, ये भी रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, यह भी नहीं होगा। तो बचा कौन, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध ही जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया। भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि स्मृति मंधाना जो है वो किस खेल की चर्चित खिलाड़ी हैं। तो स्मृति मंधाना जो है वो भारतीय क्रिकेट से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट से संबंधित हैं। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है। तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और खनिज भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। तो मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला इसलिए होता है क्योंकि यह हवा के संपर्क में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के संपर्क में। याद रखिएगा मोमबत्ती जो है वो पैराफिन वैक्स का बना हुआ होता है। बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीलियम। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व अगर पूछिएगा तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु पूछिएगा, अधातु तत्व, तो वो भी हो जाएगा फ्लोरीन। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछिएगा तो वो भी हो जाएगा फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन। नेक्स्ट है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला दो पल्ला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है वो मोमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्योंकि, क्यों अधिक होता है, क्योंकि वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कणों पर जमा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का राजा था। देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजल कटफेसिस, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आया, बिम कटफेसिस, और तीसरे नंबर पर आया कुषाण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। कुषाण वंश का जो तृतीय शासक कनिष्क था वो 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो कि शक संवत कहलाया, और भारत सरकार के द्वारा उसको उपयोग में भी लाया जाता है। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक अनुयायी था, और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति जो है वो कुंडलबन कश्मीर में आयोजित किया गया था। कनिष्क का एक राजवैद्य था, वो आयुर्वेद का विख्यात विज्ञान था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम जो है वो चरक था। नेक्स्ट है कि वनों के प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान है। तो वनों के प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पीसी कल्चर किसको कहते हैं, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है वो किया जाता है। लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है, तो लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है, ब्राउन कोयला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन कोल कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कोयला को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से और याद रखिएगा पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह सब कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का ही है। नेक्स्ट है कि जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह जो है वो क्या होगा।
तो बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में जो द्रव सतह होगा वो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा यह भी समझ लीजिए, क्योंकि बर्फ जो है वो पहले ही अपने आयतन के बराबर द्रव का विस्थापन जो है वो तो ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। आगे है एक दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पास की वस्तुएं जो है वो साफ नहीं दिखाई देती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तुएं जो है वो साफ नहीं दिखाई देती है। और ये दूर दृष्टि दोष जो होता है इसमें नेत्र गोलक की लंबाई जो है वो घट जाती है तथा फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाद बनता है। और इस दोष के उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा जो है वो प्रयोग करते हैं। आगे है कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु स्थित होता है, तो वस्तु जो है वो अनंत और 2F के बीच होगा तभी होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी तत्व है वो है क्या? इंजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंजाइम। कनिष्क की मृत्यु जो है वो कब हो गई? तो कनिष्क की मृत्यु जो है वो 102 ईस्वी में हो गया था। कनिष्क जो है वो राजा बना था कब? 78 में, और मृत्यु हो गई थी इसकी 102 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 102 ईस्वी। दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल संक्रमण। देखिए, यदि अगर आपके मुंह का pH मान जो है वो 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण जो है वो होने लगेगा। मनुष्य दांत जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से? कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है यह आपको बताना है। ब्लड फ्लू विषाणु जनित रोग है, चिकन पॉक्स भी है, डेंगू भी है, हैजा नहीं है, क्योंकि हैजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है ना कि विषाणु जनित। तो हैजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है। एक विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु है जिससे कि हैजा रोग होता है, और हैजा रोग जो है वो सामान्यतः हमारे बॉडी के आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11। सोडियम जो है वो एक बहुत ही मुलायम धातु है जिसे चाकू से भी आराम से काटा जा सकता है, और साथ ही साथ सोडियम जो है वो उसको किरासन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो उदायन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदायन के द्वारा। उदायन आप लोगों को पता ही होगा, उदायन जो था वो पाटलिपुत्रा को राजधानी राजगृह के स्थान पर बनाया था, और साथ ही साथ उदायन जो था वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना था। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दर्शनीय स्थान है? तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर कौन क्या है? रामेश्वरम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है? रामेश्वरम है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे किया गया था? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। किसके द्वारा? लाला हरद्वाल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि USA में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार जो है वो कहाँ है? सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक भंडार कहाँ है, तो सबसे अधिक भंडार जो है वो राजस्थान में है। अगर पूछे उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है। ऐसे खेतड़ी का तांबा खान जो है जो प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो शुरू करने का प्रयास किया गया था?
तो यह किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। 1853 एक चार्टर एक्ट यहाँ दिया हुआ, 1833 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। आगे है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना जो है वो किया गया था? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना जो है वो 1965 में किया गया था, किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है कि अग्नाशय रस की प्रकृति होती है, तो अग्नाशय रस की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षारीय होता है। आगे है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो कनाडा ओपन का टाइटल जो है वो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्ष्य सेन के द्वारा। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बिछड़ा का बछिया का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है? गंगा नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया जो है गंगा, उसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी करनाल में जो स्थित है उसके द्वारा विकसित किया गया है। आगे है कि बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी देने हेतु फ्लड वॉच ऐप कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अपडेट भेजेगा? तो यह जो है वो 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपडेट भेजेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दीवानों का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? तो इसका प्रस्ताव जो है वो किस देश के द्वारा पेश किया गया था? भारत के द्वारा। ये दीवाने नहीं, यहाँ दीवार होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दीवार का प्रस्ताव जो है वो किस देश ने पेश किया था? तो भारत ने पेश किया था। नेक्स्ट है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबिया में। 27 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया है? तो किस स्टेशन से किया है? रानी कमलापति स्टेशन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रानी कमलापति स्टेशन। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तुषार खांडेकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुषार खांडेकर। नेक्स्ट है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत जो है वो कौन से रैंक पे है? 67th रैंक पे है। और अगर पहले रैंक पे पूछे तो पहले रैंक पे कौन है? पहले रैंक पे है स्वीडन, ठीक है। और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस महोत्सव जो है वो मनाया गया है? तो यह कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लद्दाख। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है? तो यह किस देश ने किया है? नेपाल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल ने।
नेक्स्ट है कि फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए भारत जो है वो नेपाल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल के साथ। ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को दिया गया है। तो ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जो है वो किसको दिया गया है, RINL को, मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सेंचो 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है। तो सेंचो 16 मिशन जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाइना के द्वारा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।